हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर एक्चुअली में क्या सोचते हैं आपके बारे में, किस तरह की फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर। और दूसरे सेक्शन में ये देखेंगे आप क्या सोचते हैं उनके बारे में कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके मन में कुछ तो चीज़ें चल रही होंगी कि वो मेरे लिए ये सोचते होंगे, ऐसा सोचते होंगे। तो दो सेक्शन में डिवाइड करके रीडिंग को देखा जाएगा कि आपको क्या लग रहा है कि वो मेरे लिए ये सोच रहे हैं और एक्चुअली में वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आई होप टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? याद आपको यहाँ पर ये ज़रूर रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है? गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं एक्चुअली में ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर उसके बाद ये देखेंगे आपका क्या सोचना है इनको लेकर, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का क्या सोचना है, व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। बताइए जॉय एंड स्टेबिलिटी, बेस चक्र, डार्केस्ट फियर, ट्रस्ट। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए, इनका क्या सोचना है, गाइड कीजिए। बताइए सीक, मूविंग ऑन एंड बॉटम ऑफ द डेक है रीच आउट, ठीक है? देखिए यहाँ पर आपके लिए नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। एनर्जीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि आया है। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज आ गई हैं, ठीक है? एक्चुअली में इस पर्सन का क्या सोचना है आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर? देखिए एक्चुअली में ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप ही के साथ अपने रिलेशनशिप में ये पर्सन खुशियां और स्टेबिलिटी देखते हैं। फोर ऑफ वांड्स का कार्ड है, यानी कि डेफिनेटली ये पर्सन आप ही के साथ एक डीप कमिटमेंट देखते हैं। वो चीज़ें इस पर्सन के मन में चलती हैं कि ये आप ही के साथ इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, इस रिश्ते की नींव को मजबूत करना चाहते हैं, जो शायद किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, किसी तरह के डर की वजह से हिलकर रह गई थी। तो ये पर्सन डेफिनेटली वो चीज़ें चाहते हैं, यानी कि आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उस पर भरोसा करना चाहते हैं, उस भरोसे की तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते की नींव को ये स्ट्रॉन्ग कर सके। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है विद दिस डार्केस्ट फियर कि ये पर्सन किसी तरह के डर में भी अपने आप को घिरा हुआ फील कर रहे हैं, जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे। और इसी डर की वजह से ये पर्सन ना चाहकर भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ये हूँ, इनका अकेलापन हो और इनकी खुद की सोच हो। यानी कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जाने के बारे में सोचते हैं जहाँ पर ये अपनी की हुई गलतियों को पहचान सके, अपने आप को जान सके, अपने आप को खोज सके या अपने आप में ही ये रह सके, यानी कि अकेले, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन किसी तरह के डर की वजह से ना चाहकर भी दूर जा रहे हैं, एक आइसोलेट एनर्जी में कह सकते हो, एक हर्मिट एनर्जी में ये पर्सन बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एक्चुअली में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है।
और आपके पास यही वाइब्रेशंस आ रही है कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। जॉय एंड स्टेबिलिटी के मामले में ये पर्सन क्या सोचते हैं इस कनेक्शन को लेकर, गाइड कीजिए और बताइए क्या सोचते हैं। जस्टिस, तो देखिए बेसिकली ये पर्सन इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है जो एक्चुअली में ये पर्सन सोचते हैं, अभी वो एनर्जीज यहाँ पर पड़ी जा रही है। बेस चक्र को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में एक्चुअली में ये पर्सन क्या सोचते हैं, गाइड कीजिए बताइए। रिन्यूअल, तो डेफिनेटली देखिए ये इस रिश्ते में एक्चुअली रिन्यूअल चाहते हैं, इस रिश्ते की जो भी नींव आपकी अलग अलग हो गई थी, हिल गई थी, आप लोग सेपरेट हो गए थे, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते में नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें इस रिश्ते की नींव स्ट्रांग हो, बैलेंस हो, न्याय हो, ये यहाँ पर चाहते हैं। यानी कि जो भी आप लोगों के बीच में मन मुटाव है उन सब चीज़ों में क्लियरिटी आ जाए, इनका मेन मोटिव यहाँ पर ये है, ठीक है। यानी कि दिल में एक दूसरे के लिए कोई गलत फहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, ये पर्सन ये चाहते हैं। किस तरह का डर है ये देखना है मेन सवाल। डार्केस्ट फियर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए ये किस तरह का डर है जिस रीजन के चलते ये पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे हैं, जिस रीजन के चलते ये पर्सन खुद से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, गाइड कीजिए। बेसिकली यहाँ पर देखिए कोई पर्सन इस पर्सन को मैनेज कर रहा है इस रीज़न की वजह से, बहुत स्मार्टली, बहुत वाइजली इन्हें यहाँ पर मैनेज करा जा रहा है। इनके सामने ऐसी ऐसी कंडीशंस, ऐसी ऐसी बातें लेकर आई जा रही हैं, ऐसे ऐसे डर इनके सामने लेकर आए जा रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन यहाँ पर डरे हुए बैठे हैं। यानी कि इस पर्सन के मन में आपकी तरफ बढ़ने के मामले में किसी तरह का डर डाला जा रहा है कि अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चाहे फिर वो इमोशनली डर हो, अगर पेरेंट्स है कि भाई हमारे साथ ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चार लोग क्या कहेंगे। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में किसी तरह का डर यहाँ पर डाला जा रहा है, जिस डर की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं इतना कुछ चाहने के बावजूद भी, और इसी डर से भाग रहे हैं ये पर्सन। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डर से नहीं अल्टीमेटली आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। कोई इनको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है, इन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाह रहा या चाह रही, ये एनर्जीज हैं जो इन्हें इनके मन में डर पैदा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वजह से रिलेशनशिप को ख़राब करता है या करती है, डर, तो वो डर इस पर्सन के मन में डाला जा रहा है। ट्रस्ट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस चीज़ पर अब ये पर्सन भरोसा कर रहे हैं एक्चुअली में, ट्रस्ट को लेकर इनकी एक्चुअली में क्या फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए। निकल रहा है, देखिए ये पर्सन आप पे भरोसा करते हैं कि आप ना इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए जहाँ पे आपसे बनता है वहाँ पर आप काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, आप अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा डिवोशन उस रिलेशनशिप को सही करने के लिए, उसे तराशने के लिए तैयार हो। ये पर्सन इन चीज़ों को जानते हैं आपके बारे में, यानी कि ये भरोसा रखते हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर आपके सामने ये चीज़ें आती हैं कि भाई अब आप इस रिश्ते को सही करो, तो आप उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करोगे, उनके लिए आप पीछे कदम नहीं भगाओगे, तो ये सोचना है इस पर्सन का आपको लेकर, ठीक है। सीख को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में एक्चुअली में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, गाइड कीजिए बताइए। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड, डेफिनेटली ये पर्सन भले एक अलोननेस वाली अकेली एनर्जीज में है, एक खोज वाली एनर्जी में है, लेकिन ये पर्सन उन एनर्जी में भी आपके बारे में सोचते हैं या आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में सोचते हैं, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यानी कि ये पर्सन भले इन्होंने अपने आप को अकेला कर रखा हो, लेकिन उस अकेलेपन में भी इन्हें एक उम्मीद है कि इस रिलेशनशिप में वापस से इमोशंस, प्यार ज़रूर आकर रहेंगे, ठीक है, ये एनर्जीज है। मूविंग ऑन के मामले में इस पर्सन की एक्चुअली में क्या फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्यों ये मूव ऑन कर रहे हैं, क्या ये मूव ऑन कर पा रहे हैं या नहीं, गाइड कीजिए।
एट ऑफ वॉन्ड्स, नंबर एट आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका अगस्त मंथ। देखिए ये पर्सन आपको एक्ट कर रहे हैं या अपने आप को दिलासा दे रहे हैं या अपने आप को समझा रहे हैं कि मूव ऑन करना है, बट यहाँ पर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है आपसे बात करने की विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो एक्चुअली में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं और इस रिश्ते पे ये काम भी करना चाहते हैं, ये एनर्जी है, यानी कि इस रिश्ते में ही वापस से रीयूनियन चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन किसी ने इनके मन में बहुत बड़ा बहुत गहरी बात रख रखी है इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है पारिवारिक इश्यूज को फेस कर रहे हूँ जिस रीज़न के चलते इनके मन में कोई ऐसी गहरी बात रख रखी है और इसी रीज़न के चलते ये ना चाहकर भी मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जितने कदम आगे बढ़ते हैं उतने कदम इस पर्सन की इच्छा होती है ये आपसे बात करें, चीज़ों को क्लियर करें, आपके सामने ये ऑफर लेकर आए। तो ये है इस पर्सन की एक्चुअली में फीलिंग्स। अब बात आती है कि आपको क्या लगता है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है अपने पर्सन को लेकर, इनका क्या सोचना है कि वो क्या सोच रहे होंगे, गाइड कीजिए बताइए। पहले है टेक द लीड, रिफ्यूजिंग टू सी, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजंस, कंट्रोल, रिलीज, सीक। बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग ऑन, तो बेसिकली मूव ऑन तो ये कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपका यही सोचना है इनको लेकर। एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं, तो एनर्जीज वापस से डिस्कस नहीं करी जा रही हैं। नंबर एट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अगस्त मंथ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपके मन में ये चलता है इनको लेकर कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं और ये आपसे मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके मन में ये चलता है इनको लेकर। लेकिन वहाँ पर हमें ये पता चला कि मूव ऑन कर तो रहे हैं, उनकी उसकी वजह भी पता चली और साथ में ये भी पता चला कि मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हैं। तो आपका ये सोचना है कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं और कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। उसके अलावा आपके मन में इनको लेकर ये चलता है कि अब ये आपको देखना ही नहीं चाहते हैं, इस कनेक्शन को देखना ही नहीं चाहते हैं, आपको देखकर अनदेखा कर रहे हैं या आपको इन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, आपने इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, इस रिश्ते का इन्होंने ऑलरेडी एंड कर दिया है। आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं, आपके मन में इनको लेकर ये चीज़ें भी चलती हैं कि ये इंसान भले डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो क्या फ़ायदा, लेकिन जब ये किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इन सब हालातों की लीड नहीं ले पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करे हुए बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इसका यही मतलब है कि इन्होंने इस रिश्ते का मन से डेथ कर दिया और ये आपसे मूव ऑन कर गए हैं। तो आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आपके मन में ये भी चलता है कुछ हद तक कि ये अपने आप को इसीलिए चुप कर कर बैठे हैं कि ये आपको किसी पॉइंट पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक्चुअली में ये पता चला कि ये पर्सन आपको नहीं कंट्रोल करना चाह रहे, बल्कि ये पर्सन तो खुद किसी और के कंट्रोल में हैं, खुद किसी और के थ्रू मैनेज करे जा रहे हैं, बट आप ये सोच रहे हो इनको लेकर कि ये ना कोई बात आपसे अपनी मनवाना चाह रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं, या फिर ये इस रिश्ते की लीड ही नहीं लेना चाहते, इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए ये आपसे दूर जा रहे हैं और ऑलरेडी जा चुके। तो ये चीज़ें आपके मन में इनको लेकर बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके मन में ये भी चलता है अब इस रिश्ते में ना कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा, ऑलरेडी सब चीज़ें एंड हो गई हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपके मन में चलता है। तो चलिए देखते हैं रिफ्यूजिंग टू सी के मामले में मेरे व्यूअर्स के मन में क्या चलता है अपने पर्सन को लेकर। रिफ्यूजिंग टू सी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या चलता है व्यूअर्स के मन में, गाइड कीजिए। देखिए आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं विद दिस एम्प्रेस कार्ड कि एक वक्त तो ऐसा था कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे, लेकिन अब ये आपको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, अब इन्हें आपका वो अट्रैक्शन, आपका वो लुक जो है वो पसंद नहीं आता और यही रीज़न है ये अब आपको देखना भी नहीं चाह रहे हैं। तो आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि शायद आप
के लिए ये वो अब अट्रैक्शन नहीं रखते हैं, वो प्यार नहीं रखते हैं आपकी, आपको अपनी लाइफ में एक अबेंडेंस की तरह नहीं देखते हैं, या आप इनके जो भी रिश्ता है आप लोगों के बीच में, ये अब उस रिश्ते को उस तरह से देखते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी आपके मन में चलती हैं कि ये तभी आपको देख ही नहीं रहे हैं, देखना चाह भी नहीं रहे हैं। ठीक है, दो तीन कार्ड्स हैं। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजंस के मामले में व्यूअर्स के मन में क्या चलता है अपने पर्सन को लेकर, कि वो क्या सोचते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। देखिए, आपके मन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप सेल्फिश हो, मतलब आपके मन के ये थॉट है कि वो अब आपको एम्प्रेस की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो ऐसे देख रहे हैं आपको कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, या आप इंडिपेंडेंट होने की वजह से ऐसा एक्ट कर रहे हो और वो आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे। तो आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि वो मेरे लिए ये सोचते होंगे कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ या रहा हूँ, या मैं भरोसे के लायक हूँ ही नहीं। तो ये चीज़ें आपके मन में चलती हैं इनको लेकर, ठीक है। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के लिए ये सोचते हो कि वो आपको लेकर अब नेगेटिव हो गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं जो हमने वहाँ पर देखा। टेक द लीड के मामले में इस पर्सन के बारे में व्यूअर्स क्या सोचते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके मन में ना ये भी चलता है कि वो आपको लेकर ये सोचते हैं कि आपने इनके साथ यहाँ पर चीटिंग करी है, आप यहाँ पर इस रिश्ते को छोड़कर चले गए हो, आपने इनके सामने बहुत एम्बैरेसिंग जैसे माहौल क्रिएट कर दिए हैं। तो आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, कि एज एन आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि मैंने इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय, इस रिश्ते की लीड लेने की बजाय ना, इस रिश्ते से चुपचाप जाने का डिसीज़न ले लिया। तो अगर आप ना आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप में छोड़कर आए हो, तो डेफिनेटली आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि अभी मेरे को ये सोचते होंगे, मेरे पर ये ब्लेम्स लगाते होंगे कि मैंने इनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशन को क्रिएट करा है, ठीक है। और अगर ये पर्सन ही आपको छोड़कर गए हैं, तो आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि अब आपको लेकर ये सोचते होंगे कि अब तो मैं भागकर आ गया, अब मैं वापस से इस रिलेशनशिप की लीड नहीं लूँगा या इस रिलेशनशिप में वापस से नहीं जाऊँगी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, इस रीज़न की वजह से मुझे अब इस रिश्ते में जाना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आप ना इस पर्सन के लिए ये अपने आप ही नेगेटिव सोच रहे हो कि वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर अब बहुत नेगेटिव हो गए होंगे, ठीक है। रिलीज़ के मामले में व्यूअर्स को क्या लगता है कि उनके पर्सन क्या सोचते हैं, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स, आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं इस पर्सन को लेकर कि ये आपको लेकर ये सोचते होंगे कि भाई आपने ने रेस्पेक्ट नहीं दी, या इस रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट नहीं रहा, कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में क्लियर नहीं हो पाया, मतलब ओवरऑल ना आपके मन में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चलती हैं जो इस पर्सन के मन में है नहीं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो इस पर्सन को कि ये बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं पहले के मुकाबले में, इन्होंने अब आपको रिलीज़ कर दिया है, आपसे रिलेटेड जो भी फीलिंग्स इनके दिल में थी इन्होंने वो सब बहुत दूर कर दी, और इसी रीज़न की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं कि किसी पॉइंट पर ना आप नेगेटिव हो रहे हो इनको लेकर, क्योंकि आप लोगों के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। कंट्रोल के मामले में व्यूअर्स का क्या सोचना है अपने पर्सन को लेकर, आपके मन में ऐसी चीजें चलती हैं कि ये आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं ताकि ये आपको कंट्रोल कर सकें, आप अपनी अहमियत आपके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ा सके, अपने आप को प्राउड फील करा सके या अपने ईगो को बूस्ट करा सके। तो आपके मन में ये चीज़ें चलती हैं इनको लेकर कि ये मुझसे बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि ये मुझे कंट्रोल कर सकें, ठीक है, या अपनी ही बात मनवाने के लिए ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। सीख के मामले में व्यूअर्स को क्या लगता है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपको बेसिकली यहाँ पर ये लगता है इस पर्सन को लेकर, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स है, तो आपको बेसिकली ये लगता है कि ये पर्सन ना अपने आप को डिफेंड करते हुए
दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है अपने आप को बचा रहे हैं, या इन्होंने इस रिश्ते से गिव अप कर दिया है इसीलिए चुप बैठे हैं, इसीलिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके मन में चलती हैं। आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अब ऑलरेडी इस रिश्ते से, इस प्यार से, इस इमोशन से, इस फीलिंग से ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, या आप ऑलरेडी मैरिड है तो इस मैरिज लाइफ से इन्होंने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया है, तो ये चीज़ें आपके मन में इनको लेकर चलती है कि ये ऐसा आपके बारे में या इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। तो ये है आपकी सोच कि ये ऐसा सोच रहे होंगे और एक्चुअली में वो कुछ और ही सोच रहे हैं। तो ये एनर्जीज मुझे आज की इस रीडिंग में दिखी, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पर अल्टीमेटली यही गाइडेंस आ रही है कि आप नेगेटिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा एक्सेस में, जो आपको नहीं होना है, क्योंकि आप ऐसे अगर नेगेटिव रहे तो जाने अनजाने में नेगेटिविटी को इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर भी बताया जा रहा है। तीन कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के लिए भी निकाले जाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए विच सन ड्रेसेस एंड होम गार्ड। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपसे ये बोली जा रही है कि देखो भाई, इतना नेगेटिव मत हो, अगर नेगेटिव हो रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप पर काम करना शुरू कर दो, अपने आप को बाहर लेकर जाना शुरू कर दो, सनलाइट में रहना शुरू कर दो। जैसे बहुत बार होता है, सनलाइट्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करती हैं आपकी एनर्जीज़ को, आपकी वाइब्रेशंस को। थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह आप करो, अपने लिए खर्च करो, आपसे ये बोला जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपने आप पर काम करना होगा, और डेफिनेटली आप अगर पॉजिटिव रह पाओगे तो जस्टिस आप ही की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ेंगे तो तभी जब आप भी पॉजिटिव हो पाओगे, जब आप भी अपनी तरफ से इनिशिएट ले पाओगे इस तरह से अपनी सोच के माध्यम से। तो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके मामले में आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।